पावरफुल लोगों ने किया दिवंगत सुशांत सिंह राजपूत के जिगरी दोस्त और प्रोड्यूसर संदीप सिंह को फोन। कॉल और मैसेजेस पर संदीप से पूछे गए कुछ सवाल। संदीप ने अपने दोस्त की मौत से जुड़ी कुछ अहम जानकारी दी। बताया कि उनका फिल्मी करियर सही दिशा की ओर था। संदीप ने लोगों से अपील की है कि वो सुशांत की मौत के पीछे किसी को भी दोषी न ठहराए। दिवंगत सुशांत सिंह राजपूत प्रोड्यूसर संदीप सिंह के करीबी दोस्त थे। संदीप सिंह ने खुलासा किया कि सुशांत सिंह की मौत के बाद लोग कैसे रिएक्ट कर रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्होंने बताया कि उनके पास पावरफुल लोगों के कई मैसेज आए थे, जिसमें उनसे पूछा जा रहा था कि सुशांत सिंह के अंतिम संस्कार क्रिया में उन्हें न्योता क्यों नहीं दिया गया। संदीप सिंह ने बॉलीवुड हंगामा को दिए इंटरव्यू में कहा, सुशांत की मौत के बाद लोग ड्रामा कर रहे हैं, वो इस तरह की चीजों को पसंद नहीं करते। अंतिम संस्कार से घर आने के बाद मैं नहाने गया था और मुझे कुछ कॉल और मैसेज आए हैं, जिसमें मुझसे पूछ रहे थे कि उन्हें अंतिम संस्कार में क्यों नहीं बुलाया गया। मुझे मैसेज मिला, हम पावरफुल लोग हैं, तुमने हमें इनवाइट नहीं किया। मेरा मतलब है, इन लोगों के दिमाग में क्या चल रहा है। शॉकिंग। एकता कपूर विवादों में थी, फिर भी वो वहाँ अपनी मर्जी से पहुंची। श्रद्धा कपूर, रणदीप हुडा, ये सारे लोग वहाँ आकर बारिश में खड़े थे, रो रहे थे। उसकी मौत से ज्यादा इन लोगों द्वारा की जा रही हरकतों पर दुख हो रहा है। संदीप ने लोगों से अपील की है कि वो अब इस पर डिस्कशंस करना बंद करें और उनके परिवार के दर्द को समझे। उन्होंने कहा, लोग कह रहे हैं सुशांत से 7 फिल्म छीन ली गई, उसके रिलेशनशिप स्टेटस पर आरोप लगाया, यहाँ तक ये भी कहा कि उसके पास पैसा नहीं है, लेकिन उसकी मौत का कोई विशेष वजह नहीं है, ये लोगों की कल्पनाएं हैं। संदीप सिंह ने कहा कि वो एक आउटसाइडर था और उसने यशराज फिल्म्स, धर्मा प्रोडक्शन सहित कई बड़े मेकर्स और प्रोड्यूसर्स के साथ काम किया। उन्होंने लोगों से सुशांत की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करने के लिए कहा है। उन्होंने कहा, उसके परिवार को थोड़ा अकेले छोड़ दो, समझो उसकी फैमिली को थोड़ा। क्या दर्द होगा कि उसके जैसे एक सक्सेसफुल इंसान ने ये स्टेप ले लिया। यानी कि संदीप की बातों से लगता है कि सुशांत के मौत के पीछे की वजह कुछ और ही है और वो राज सुशांत अपने साथ लेकर चले गए। लेकिन सवाल ये है कि वो कौन पावरफुल लोग थे जिन्होंने संदीप को कॉल और मैसेजेस भेजे। 25 जून को मुंबई पुलिस ने सुशांत के दोस्त संदीप सिंह को बांद्रा पुलिस स्टेशन बुलाकर उनके बयान दर्ज किए। वहाँ जरूर उन्होंने नामों का खुलासा किया है। वैसे आपके जहन में किन किन लोगों का नाम आता है, पोस्ट करिए अपने कमेंट्स।